हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टेशन। तो आज हम क्लास टेंथ के बारे में जो मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में आप बात करने वाले हैं। कौन सी फिर नॉलेज से कौन सी पॉइंट को हटा दिया गया है, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है वो बात डिस्कस करेंगे, और कौन सी फिर नॉलेज इस बार 2023-24 जो ये सेशन होने वाला है, की बार 2023-24 का इसमें न्यू सिलेबस क्या है, उसमें कौन सी प्रश्नावली कितने कितने नंबर के आएंगे, कौन सा पार्ट हटाया गया, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले। ये सबसे पहली बात कर ले मैंने ऐच्छिक, जो ऐच्छिक प्रश्नावली होती थी कई लास्ट में ऐच्छिक प्रणाली या प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो उसको हटा दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रश्नावली हटाई गई, उसके बाद देखेंगे प्रत्येक प्रश्नावली कितने कितने नंबर की है। तो पहली प्रश्नावली में एक पॉइंट एक व एक पॉइंट चार को हटा दिया गया है। दूसरी में 2.3, तीसरी में 3.5 व 3.6, चौथी में 4.3। जो पॉइंट बता रहा हूँ 1.1, 1.4, 2.3, 3.5, 3.6, 4.3, तो ये जो पॉइंट है जो प्रश्नावली थी 1.1 और 1.4 वो हटा दी गई। और जो ये पॉइंट बता रहा हूँ उनसे पहले जो उदाहरण है वो भी यहाँ पे आपको उदाहरण भी कट हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट होगा तो उदाहरण भी कट हो जाएंगे। तो 1.1 से पहले जो उदाहरण है, 1.4 से पहले उदाहरण है, 2.3 से पहले जो उदाहरण है, 2.2 के बाद वो सभी उदाहरण भी साथ हैं। तो देखो चार में 4.3 और 4.3 से पहले उदाहरण, पांचवी में कुछ चेंज नहीं है, छठी में 6.4 में 6.5, उसके बाद बात कर लेते हैं सातवीं में, सातवीं प्रणाली में 7.3 को हटा दिया गया है। उसके बाद 8.3, तो 8.3 और 8.3 से पहले उदाहरण जो 8.2 के बाद है, तो उदाहरण और ये पॉइंट है ये हटा दिए गए 8.। और इसके बाद नौवीं में कोई चेंज नहीं है, दसवीं प्रणाली में कोई चेंज नहीं है, और ग्यारहवीं प्रणाली को तो काट दिया गया है, ग्यारहवीं पूर्णतः ही हटा दी गई। उसके बाद बारहवीं बात कर लेते हैं, तो 12.1 व 12.3, इसके बाद बात कर लेते हैं तेरहवीं प्रणाली, तो तेरह में है 13.3 व 13.4 को हटा दिया गया। उसके बाद चौदह में बात करें 14.4 और पंद्रहवीं में कोई चेंज नहीं है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रणाली से कौन सी पॉइंट है, 8.3 है, 14.4 है, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी हटा दिए गए हैं इसलिए उसमें। और अब आपको पता चल गया है कि कौन कौन से पॉइंट हटा दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रणाली आपके कितने कितने नंबर के आने वाली है 80 में से। तो 80 में से पहली प्रणाली यहाँ पे आपको 4 नंबर की है, दूसरी प्रणाली भी 4 नंबर की है, तीसरी प्रणाली 6 नंबर की है, चौथी प्रणाली 4 नंबर की है, पांचवी प्रणाली 6 नंबर की है, और उसके बाद 6 नंबर प्रणाली वो 4 नंबर की है। अब बात करते हैं सातवीं प्रणाली 7 नंबर की, आठवीं प्रणाली 8 नंबर की, नौवीं प्रश्नावली 5 नंबर की, दसवीं प्रश्नावली 6 नंबर की, ग्यारहवीं प्रश्नावली तो कट गई इसलिए इसके कोई नंबर नहीं है, बारहवीं प्रश्नावली 5 नंबर की, उसके बाद तेरहवीं प्रश्नावली 6 नंबर की आएगी, चौदहवीं प्रश्नावली 11 नंबर की आएगी, और पंद्रहवीं प्रश्नावली 4 नंबर की है। तो ये इन सब को टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 80 नंबर हो जाएंगे। अब आपको बताया कि 11वीं प्रश्नावली कट गई, तो अब सिलेबस में टोटल पहले 15 प्रश्नावली होती थी, अब यहाँ पे आपको क्या होगी 14 प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास यदि पुरानी बुक है तो उसमें ये चेंज करना है, और नई बुक लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये चेंज कर लेना है। आपको बता दिया कि कौन सी प्रश्नावली कितने कितने नंबर की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।